हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ व्रत वाला गुलाब जामुन, क्योंकि अब की रक्षाबंधन व्रत वाले दिन पड़ रहा है। सोमवार का लास्ट व्रत है हमारा, तो बहुत सी बहनें उपवास होंगी, तो उसके लिए मैंने फास्ट स्पेशल रसगुल्ला बनाया है। सबसे पहले 1 कप शुगर लेंगे, उसमें 1½ कप पानी डालेंगे, 2-3 हरी इलायची क्रश करके डाल देंगे और चलाते हुए बॉयल आने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अच्छे से बॉयल हो जाए, शुगर और पानी हमारा पक जाए अच्छे से। बहुत गाढ़ा नहीं करना है पका के। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। मावा मैंने चिकना वाला लिया है। आप भी जब भी गुलाब जामुन बनाए तो चिकना वाला ही मावा लें, उससे बहुत अच्छा गुलाब जामुन तैयार होता है। इसको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ताकि कोई भी लम्स ना हो उसमें। इधर देखिए, हमारा शुगर सिरप अच्छे से बॉयल हो रहा है। देखिए, हाथों में लेके देखेंगे तो ऑयल के जैसा टेक्सचर लगेगा, बहुत गाढ़ा और बहुत पतला नहीं है। इस टाइम पे हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए, मावा को हमने ग्रेट कर लिया है और इसमें हमने 3 स्पून सिंघाड़े का आटा डाला है। अभी मैंने 2 स्पून डाला है और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, हाथों की सहायता से अच्छे से मलते हुए मिक्स करेंगे, खूब अच्छा चिकना कर लेंगे। बाद में 1 स्पून और डालेंगे। वन स्पून और डाला और फिर अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से फेट कर एकदम चिकना स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अगर आप मावा चिकना वाला लेंगे तो गुलाब जामुन खराब होने का कोई चांस नहीं रहता है, बहुत ही अच्छा बनता है वो। देखिए, अभी ऐसा गीला गीला लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से मैश करते जाएंगे और हाथों से अच्छा चिकना करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा डो तैयार हो जाएगा, सॉफ्ट सा। ज़्यादा आटा इसमें ना डालें, 3 स्पून बहुत बहुत है। फिर थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके राउंड राउंड चिकना राउंड बनाएंगे हम। जितना बड़ा छोटा आपको चाहिए उतना बड़ा आप राउंड बनाइए, लेकिन चिकना बनाइए, कोई भी क्रस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ऑयल को हमने एकदम लो फ्लेम पे रखा है, हल्का सा हीट हो गया है तो एक एक करके गुलाब जामुन उसमें डाल देंगे। और देखिए, जैसे ही डालेंगे वैसे ही हम चम्मच या कुछ भी लगाएंगे नहीं इसमें, कढ़ाई को हल्के हल्के हिलाते जाएंगे तो वो तले पे लगेगा नहीं और चारों तरफ से बराबर सा कलर आएगा। जब गुलाब जामुन ऊपर आ जाए तब हम उसको थोड़ा सा चम्मच से उसमें ऊपर ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि चारों तरफ से इक्वल कलर आए और बहुत अच्छे से पक जाए। फ्लेम एकदम लो रहेगा, हाई फ्लेम पे गुलाब जामुन को ना तले, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कड़क भी हो सकते हैं। लो फ्लेम पे अच्छे से ऑयल को ऊपर से डालते हुए चारों तरफ से अच्छा कलर आने तक तल लेंगे। देखिए, ऊपर से अगर हम तेल डालेंगे तो गुलाब जामुन अपने आप पलट जाएगा और चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा। बहुत अच्छा कलर आने पर हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे। बहुत ज़्यादा गरम सिरप में न डालें, नहीं तो फट जाएगा। हल्का सा गरम होना चाहिए, एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, बस ऐसा ही कलर हमको चाहिए। अब हम इसको निकाल के सिरप में डाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा सा गुलाब जामुन तैयार होता है। आप इसको फास्ट में खा सकते हैं। गुलाब जामुन को आप कोशिश करिए कि घी में ही फ्राई करें ताकि उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने तो इस रक्षाबंधन में सबको सर्व करने के लिए फास्ट स्पेशल गुलाब जामुन बना लिया है, और आप भी जल्दी से बना लीजिए। देखिए, अब इसको हम शुगर सिरप में डाल देंगे।
दूसरा बैच डालेंगे, फिर से फ्लेम एकदम लो रहेगा, ऑयल बहुत ज़्यादा हीट नहीं रहेगा। एक एक करके बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे गुलाब जामुन, 5 या 6 एक बार में डालेंगे। देखिए ऊपर आ गया है, फिर हम इसमें ऊपर से ऑयल स्प्रेड करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से कलर आए। और सारे बैचेस को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा कलर देंगे और सिरप में डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन तैयार होता है। अगर आपके पास केसर है तो सिरप में आप केसर भी डाल सकते हैं। सारे गुलाब जामुन को मैंने ऐसे ही फ्राई कर लिया है और सिरप में डाल दिया है, अच्छे से कलर आने पे एकदम लो फ्लेम पे ही करी करी, नहीं तो गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट, और रस देखिए कितना अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हुआ है। अब बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन हमारा तैयार हुआ है। देखिए इसको हम ऐसे ही सिरप में आधा घंटा के लिए छोड़ेंगे ढककर, बहुत ही अच्छा।